गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज हर्षिता एंड टुडे वी लर्न अबाउट सम बेसिक यूनिट ऑफ फिजिक्स. सो लेट्स लर्न व्हाट इज फिजिक्स. इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना. यह विज्ञान की वह शाखा होती है जो स्टडी कराती है नेचुरल फेनोमेना के बारे में. यूनिट क्या होता है? यूनिट वो होता है जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कराने के लिए हमारी हेल्प करता है. उस टाइप्स ऑफ यूनिट हम पढ़ते हैं जिसमें यूनिट की दो टाइप होती है, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट. फंडामेंटल यूनिट है, इट इज़ द बेसिक यूनिट. यह बेसिक यूनिट कहा जाता है इसे क्योंकि यह एक इंडिपेंडेंट यूनिट है. इसे हम बनाने के लिए किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है. इसके बाद हम पढ़ते हैं ड्राइव्ड यूनिट. इट इज़ द यूनिट विच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट. यह वह यूनिट है जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करती है. इसके हमें कुछ एग्जांपल देखें तो स्पीड, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा. हम अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड की फिजिकल क्वांटिटी होती है लेंथ और टाइम, जिसे हम इसकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट बताए तो यह मीटर पर सेकंड के नाम से होती है, जिसे लेंथ बाय टी आ जाता है, जिसे हम लेंथ बाय में टाइम लिखते हैं. लेंथ की फंडामेंटल यूनिट होती है मीटर, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं, और टाइम की होती है सेकेंड, जिसे हम एस लिखते हैं. तो इसकी ड्राइव यूनिट हम करते हैं मीटर पर सेकेंड. नाउ अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट में. हम फंडामेंटल यूनिट के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं जिसके फिजिकल क्वांटिटी होती है लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इनकी फंडामेंटल यूनिट की अगर हम बात करें तो लेंथ की फंडामेंटल यूनिट होती है मीटर, जिसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. अब मास की फंडामेंटल यूनिट बताई जाती है किलोग्राम के नाम से, जो कि केजी के नाम से हम डिनोट करते हैं. टाइम की फंडामेंटल यूनिट हम सेकेंड यूज़ करते हैं. करंट की फंडामेंटल यूनिट एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट है केल्विन, जिसे हम कैपिटल के नाम से डिनोट करते हैं. ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की फंडामेंटल यूनिट है कैंडेला, जिसे हम स्मॉल सी डी के नाम से लिखते हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की फंडामेंटल यूनिट अगर हम बताएं तो वो मोल होते हैं, जिसे हम एम ओ एल के नाम से डिनोट करते हैं. अगर हम इसे लिखना चाहें तो सिस्टम ऑफ यूनिट के हिसाब से लिखते हैं, जो कि है एसआई यूनिट. इट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. थैंक यू.